अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, फाइनली आज पूरे एक साल बाद हमें हमारा फेवरेट शो देखने को मिलेगा, बिग बॉस 16। तो खैर, मेरा पर्सनली जो फेवरेट बिग बॉस का सीज़न था वो था 13, जिसमें शहनाज थी, आसिम था, आप सबको पता ही होगा। तो बिग बॉस 13 मेरा सबसे फेवरेट था, लेकिन लेट्स सी, मे बी ये उससे भी अच्छा निकले। तो फाइनली आज हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट एपिसोड घर के अंदर का, और हमें ढेर सारी लड़ाइयाँ, ढेर सारे टास्क, ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ढेर सारी लव स्टोरी भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि हर सीज़न में होते आ रहा है। तो आप लोग भी देखिए और मुझे लाजिम बताइए कि किस किस को बिग बॉस पसंद है और कौन कौन बिग बॉस का फ़ैन है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे ये पता है कि जो जो बिग बॉस देखते हैं वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। साजिद इसका ट्रांसलेटर बन के आया है। साजिद लेकिन ज्यादा देर रहेगा नहीं ना, अगर वो ट्रांसलेटर है तो वो ऐसे ही निकालते उसको, है ना। और साजिद का काम भी क्या है, बुढ़ा आदमी है बेचारा। ताश की नहीं होंगे उसे। साजिद वैसे उसका मजाक उड़ा रहा था और अभी लाइक देखो किस तरह कैमरे के सामने आके कर रहा है। नाम है वैसे। यू का फेवरेट बिग बॉस कौन सा है? इमान वाला सीजन समझ नहीं आया। और स्वामी ओम वाला राखी वाला और मेरा सीजन फेवरेट था 13 वाला। 13 अब इस सीजन में देखेंगे खाना कौन बनाता। अच्छा, ज्यादातर लोग आके खाना बनाने पे पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है शिल्पा शिंदे खाने पे जीती है क्योंकि वो सारा टाइम किचन में होती थी, कुछ करती थी, लेकिन खाने बनाती है। लोगों को गलतफहमी है कि शिल्पा शिंदे खाने बनाने पे हुई है क्योंकि वो खाना बनाती रहती थी। ये तो अभी से लड़ाई कर रहे हैं खाने पे। हाँ तो फिर ये पहले भी नहीं खाना देंगे को लड़ने घर अच्छा अभी कोई टास्क हो। हाँ, घर अच्छा हर दफा बहुत अमेजिंग होता है। पता चला बिग बॉस है, ये मजे का सीन है। पूरा साल ये देखने के लिए मैं बैठी होती हूँ। ये बड़ा मजे का लगता है। सब डांस करते हैं, सुस्ती भी करते हैं लोग। हाँ, गालियां भी खाते हैं। कोई भी अगर शक्ल जानी पहचानी नहीं है। यस, बिग बॉस की आवाज एक साल बाद। ये रियलाइज करें कि ये एक बिल्कुल नया सीजन है। आप लोगों को यहाँ लाया गया है आपके नएपन और ओरिजिनलिटी के लिए। गुड, ना कि इस शो के पुराने धुरंधरों की किसी भी की नकली कार्बन कॉपी बनने के लिए। ये सही बोल रहा ना? तो चलिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ बदलेगी अलार्म सूटेंगे ना। ओ, बिग बॉस एंथम आ गया। हाँ देखो देखो, ये जिम्मेदारी किसकी होगी जानते हैं ना? याद करना है बिग बॉस सॉन्ग, याद करना होगा। हाँ, अब रोज मॉर्निंग ही ये गाएंगे अलार्म के बाद।
अली आपको कैसा लगा फर्स्ट एपिसोड घर के अंदर वाला? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पता लगेगा, बहुत सारे मंथ्स हैं अभी तो। सारे एपिसोड देखोगे इंशाल्लाह। और हमें फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा, अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या आता है और क्या नए टास्क होंगे, क्या लड़ाई होगी। और अब हम जा रहे हैं सोने, हम हैं और... अपने रियल बिग बॉस हाउस में। हमारे घर में भी बिग बॉस है। पाकिस्तान में 90% घरों में बिग बॉस वैसे ही चलता है। चलें ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।